योगी सरकार ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं को राहत देने के लिए नया प्रस्ताव लेकर आई है, जिससे आने वाले वक्त में उनको राहत मिल सके। दरअसल प्रदेश में 7,000 ट्रिपल तलाक प्रभावित महिलाएं हैं। ये वो पीड़ित महिलाएं हैं जिन्होंने या तो मामले की FIR दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले विचाराधीन है। प्रदेश सरकार इन महिलाओं के लिए 6,000 रुपए साल देने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट प्रस्ताव लाएगी। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने इन महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया था। 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपए महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार यह सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगा। इसकी खास बात तो यह है कि अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसमें कोई भी आय सीमा तय नहीं की गई है। सिर्फ महिला का पीड़ित होना ही लाभ लेने का हकदार माना जाएगा। सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों से तलाक पीड़ित महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं ताकि संख्या के आधार पर बजट प्रावधान किया जा सके। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की संख्या करीब 7,000 है। इसमें वे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल हैं जो अन्याय सहने के बाद चुप बैठ गई और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, पर उन्हें ट्रेस करना आसान नहीं है। इसीलिए पहले चरण में FIR दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट का अनुमान लगाते हुए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है, शीघ्र ही इसे कैबिनेट से पास करा लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में महिलाओं को इससे कितनी राहत मिलती है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।